यूट्यूबर्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, मुझे तो लगता है कि यूट्यूबर्स का एक अलग से बिग बॉस बना देना चाहिए। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स के अलग से शोज़ हैं नेटफ्लिक्स पर। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य चौधरी, जो कि अगेन यूट्यूबर है, पॉपुलर है, जब से अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान बिग बॉस के घर में है, तब से लक्ष्य लगातार सपोर्ट करते आ रहे थे उन्हें, और अब एल्विश भी घर के अंदर चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है यूट्यूबर्स में भी दो कैटेगरीज मुझे लगता है डिवाइड हो जाएंगी। या तो दोनों को सपोर्ट मिलेगा, और अगर दोनों नॉमिनेटेड हैं, बाय चांस अगर दोनों नॉमिनेटेड हैं, तो आधे लोग इन्हें वोट करेंगे, आधे उन्हें करेंगे, लेकिन डिविजन किसी ना किसी तरह से आएगा जरूर। इस वक्त मैं आपको बता दूं, वैसे देखो अगर ये अकेले भी वोट करने निकल गए ना, तब भी इनके फैंडम्स इतने स्ट्रांग हैं अकेले एल्विश के और फुकरा इंसान के, कि ये अगर एक दूसरे को ना भी वोट करें तो भी आगे निकल कर जा सकते हैं। एनीवेज, इस वक्त मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। दो अपने भाई अंदर गए हैं, पर अब बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि अब रेडी हो जाओ। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ आगे जो भी गेम चले ना, ये मत समझना कि अभिषेक बुरा है, एल्विश बुरा, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है, ठीक है? दोनों में से कोई एलिमिनेशन मत रहेगा तो हम एक एक वोट करते रहेंगे, और जब दोनों ही आ जाएंगे तो हम कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तीन इसे डाल देंगे। और क्या कर सके भाई, मिल बांट करेंगे, लेकिन देखने में मजा आएगा पूरा। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ना, ये मधु कम्युनिटी के दो अपने भाई अंदर गए हैं, पर अब बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है। बिग बॉस मतलब इतने प्यार से कह रहे हैं वो, बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है। लक्ष्य ने क्लियर कर दिया है कि अगर दोनों नॉमिनेट हुए तो फिर दोनों को वोट्स हम करेंगे, अगर एक नॉमिनेट हुआ तो फिर मिलकर वोट करेंगे, तो कम्युनिटी जो है वो आधी आधी डिवाइड होगी, और ये आधा आधा भी कर लें तो भी वो दोनों किसी एंगल से नीचे तो नहीं आने वाले, बॉटम पर तो नहीं आने वाले, उनके अकेले के वोट्स भी काफ़ी है, और ये सब जुड़ जाएंगे तो फिर ताबड़तोड़ वोट्स है। आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्य चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एविडेंटली उन्होंने ये बात जता दी है। आप क्या कहेंगे इस बात पर, बताइएगा।